YouTube के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल जन्म कुंडली निर्माण वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। आज मैं आपके समक्ष साप्ताहिक राशि भविष्य दिनांक 28 फरवरी से 6 मार्च के बीच में आने वाला सप्ताह मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दर्शाने जा रहा हूँ। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, और मंगल गोचर में वृषभ राशि पर चल रहे हैं। वृषभ राशि पर मेष राशि से वो दूसरे स्थान पर है, तो वृषभ राशि का मंगल से क्या कनेक्शन है और मेष राशि से कितनी दूरी पर ये मंगल चल रहा है, इन दोनों परिस्थितियों में उसका फलादेश मिलता है, भरा हुआ है। वृषभ राशि वो राशि शुक्र की है और मंगल पुरुष ग्रह है, उग्र ग्रह है, खूंखार है और अनुशासन वाला ग्रह है और वृषभ राशि पर चल रहा है। इस परिस्थिति में क्या करें मेष राशि वालों के लिए परिजनों से, परिवार के कुटुंबी जनों से विवाद की स्थिति निर्मित करेगा और खास करके महिला जाति जो परिवार में है, अब वो महिलाओं में चाहे भाभी हो, बहन हो, माँ हो, भाभी हो और जाती हो, ताई हो या कोई भी महिला जाति जो होती है, उनसे इनका कुछ विवाद हो सकता है इस सप्ताह में। ये मंगल अपना प्रभाव दिखाएगा और संतान में कुछ बाधा अड़चने पैदा करेगा, दूसरा पढ़ाई में कुछ रुकावटें पैदा करेगा, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके पढ़ाई में कुछ अड़चने डालने वाला रहेगा। इस प्रकार के मंगल का फल इस सप्ताह में वृषभ राशि मेष राशि वालों के लिए दिख रहा है। सूर्य कहाँ रहेंगे, सूर्य कुंभ राशि पर चल रहे हैं। कुंभ राशि के सूर्य क्या करेंगे, आपकी राशि से मेष राशि से ग्यारहवें हैं, गवर्नमेंट से संबंधित कोई मुकदमा कोर्ट वगैरह कचहरी चल रही है उसमें सफलता मिलेगी, गवर्नमेंट से संबंधित कोई दस्तावेज आपका अभी तक रुका हुआ है वो मिल जाएगा, यानी सरकारी सहयोग आपको भरपूर मिलेगा, और जो कर्ज लेना चाहते हैं उनको कर्ज मिल सकता है, सरकारी काम तंत्र में आपको लाभदायक सिद्ध होगा। बुधदेव जो है वो बकरी होकर के कुंभ राशि पर चल रहे हैं, बकरी बुध अति सुखदायक रहेंगे। मेष राशि वाले अगर बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए विशेष विशेष लाभान्वित सिद्ध हो। शुक्रदेव जो है वो मेष राशि वालों की कैसे रहेंगे, वो भी कुंभ राशि पर हैं, बहुत लाभान्वित होंगे, स्त्री जाति से लाभ भी मिलेगा, यानी विवाद होगा और लाभ के लिए विवाद होगा उसमें लाभ होगा, इस प्रकार से ये शुक्रदेव का काम करेंगे। राहु देव भी आपकी राशि पर वृषभ राशि पर चल रहे हैं, वो आपकी राशि के दूसरे हैं, आपके बोलने में अनुशासन नहीं रहेगा, कुछ भी किसी से कुछ भी बोल कभी बोल सकते हैं, आपको भी पता नहीं, उसमें विवाद हो सकता है, थोड़ा वाणी से आप जो बोलेंगे विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है, इसको थोड़ा सावधानी से अपनी वाणी को विराम देंगे तो अच्छा है। राहु देव शनि गुरुदेव क्या कर रहे हैं, गुरुदेव आपकी राशि से दसम स्थान पर चल रहे हैं, दसवें कर्म इष्टतम, कर्म की चिंता बनाए रखे हैं लेकिन धन और कुटुंब में एकदम शांति स्वभाव बनाएंगे, परिजनों से मेल मुलाकात हो उनका सहयोग मिलेगा, उनको सहयोग करेंगे और आपके सुख शांति समृद्धि
भूमि भवन वाहन ऐसो आराम सुख सुविधाएं माता इन सब का सुख भरपूर आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि से ये दशम है और दशम जब बैठते हैं तो सुख भाव को देखते हैं और सुख भाव को देखने के साथ धन कुटुंब को देख रहे हैं और यहाँ पर पुराने रोग पुराने शत्रु उनका अपने आप दमन करेंगे। और गुरुदेव बताया अब शनिदेव क्या करेंगे, आपकी राशि से वो भी दशम है, दशम शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पूर्ति करते हैं, पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा और कर्म क्षेत्र एकदम आपका बहुत अच्छा चलेगा, कर्म क्षेत्र में विवाद हल होगा, साथ साथ में सुख में बाधा पहुँचाएंगे, बेचैनी से आप बैठने नहीं पाएंगे और अपव्यय कराने वाले रहेंगे, व्यर्थ में खर्चीला स्वभाव खर्च कराने वाले रहेंगे और पत्नी का स्वास्थ्य या स्वभाव कुछ बिगाड़ सकते हैं। इस प्रकार से आपके मेष राशि वालों के लिए बताया। चंद्रदेव क्या करेंगे, चंद्रदेव सिंह राशि पर हैं, मेष राशि से पांचवें हैं, तो 28 तारीख को आपके पांचवें चंद्रदेव होने से आपको धन यानी पंचमी ज्ञान वृद्धि चय ज्ञान वृद्धि में सहायक बनेंगे और आपके संतान जीवन के लिए बहुत उत्तम फलदायक रहेंगे और सुख शांति रहेगी, घर में मन प्रसन्न रहेगा और सब प्रकार की शंका कुशंकाएँ मिट जाएंगी। और द्वितीय धन संपत्ति और उसके पशु षष्ठे व्याधि समायोता अब 7 और 8 तारीख को व्याधि आपके काम कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकता है, उसमें परेशानी हो सकती है। इस प्रकार से सप्तमी राज सम्मानम 7-8 तारीख हो गए, 9 और 10 तारीख को आपका मान सम्मान बढ़ेगा, चारों ओर से आपको ये प्रशंसनीय कार्य होगा। अष्टमी मरण ध्रुवम 7 और 8 तारीख को बताया और इस प्रकार से आपके तारीख मैंने बताया और उसके पश्चात आपका पूरा सप्ताह मिला जुला फल देने वाला शुभ फल देने वाला रहेगा। इस प्रकार से आपका कार्य संपन्न हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम।